नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, गूमर अभिषेक बच्चन की एक जबरदस्त फिल्म जो थिएटर्स में अच्छे स्क्रीन्स नहीं मिलने के कारण, या आप यूं कह लीजिए कि गदर 2 और ओम जी 2 के सामने रिलीज होने के कारण, सामने तो नहीं हुई थी, एक हफ्ते बाद में आई थी, लेकिन सेकंड वीक में गदर 2 की आई, फर्स्ट वीक से भी ज्यादा थी। यार बाल्के ने भी माना था, आर बाल्के सर ने भी माना था, तो फिल्म को स्क्रीन्स नहीं मिलने के कारण एक अच्छी खासी फिल्म जिसकी IMDB रेटिंग भी बहुत ही बेहतरीन है, शायद 8.6, तो एक बहुत अच्छी, उस समय तो 9 से भी ऊपर IMDB रेटिंग थी इसकी, 9.2 9.4 तक मैंने देखी थी, तो एक अच्छी फिल्म, इमोशनल मूवी होने के बावजूद फिल्म थिएटर्स में पिट गई, फ्लॉप हो गई और करीब 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाई थी टोटली। लेकिन OTT पर फिल्म को अच्छी खासे राइट्स में बेचा गया है, G5 पर टाइम तो लगा है लेकिन काफी समय के बाद में OTT पर फिल्म को रिलीज कर दिया गया है G5 पर। आज से फिल्म रिलीज हुई है। अभिषेक बच्चन फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया कि एक बेहद ही शानदार फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अभिनय किया है। श्यामी घेर का भी एक बहुत ही शानदार लाजवाब अंदाज है। थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, कुछ डिस्टर्बेंस आपको साउंड में मिल सकता है, तो खैर कोई बात नहीं है। तो अभिषेक बच्चन लगातार फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अब G5 पे आप इस फिल्म को देख सकते हैं, फिल्म स्ट्रीम हो चुकी है। लाजवाब स्टोरी है और अमिताभ जी का भी कैमियो है एक इसमें। तो अब किस प्रकार का रिस्पॉन्स G5 पे मिलता है और कितने व्यूज कितने वॉचअवर्स आते हैं फिल्म के लिए, ये जानकारी आते ही मैं आपको तुरंत अपने चैनल पे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है या आपके शहर में स्क्रीन्स नहीं थे उस कारण आप नहीं देख पाए, शोज नहीं थे तो आप घूमर नहीं देख पाए, तो अब आपके पास मौका है, आप G5 पर एक बेहतरीन फिल्म को देख सकते हैं। काफ़ी मज़ा आपको आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त अभिषेक बच्चन की एक्टिंग है यहाँ पर और फिल्म की स्टोरी भी दमदार है। धन्यवाद, देखिए जय श्री राम जी बोलना।